हाय, मैं हूँ जहान। वेलकम बैक टू माय चैनल आरजेएम क्रिएट स्टूडियो। ये है हमारी इंडिया गॉट टैलेंट। हमने बहुत सुना है इंडिया अमेरिकन टैलेंट, नो अमेरिकन गॉट टैलेंट, और क्या क्या होता है, पाकिस्तानी गॉट टैलेंट, और ये है हमारा घर का गॉट टैलेंट। ये हमारा घर का गॉट टैलेंट है। तो ये आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ओ, मैं काला बनना, गोरा बनना है। वाओ, कितने दिन में आप गोरा बन जाएंगे? शायद अभी मुंह धो के आता हूं। ओके, और हमारा इंडिया का जो गॉड टैलेंट है, अभी अभी जो दिखाया था, फेस वॉश किया था, मतलब 2 मिनट के बाद गोरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो गोरा हुआ कि नहीं। देखो ना, ओ माय गॉड, मैं तो डर गई। सच में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, टैलेंट जो है। आप लोग खुद ही देखिए, इतना गोरा हो चुका है। हाथ देखिए कितना काला है। 2 मिनट में हो गया है। हाथ में फेस वॉश यूज नहीं किया ना इसलिए। तो ये था हमारा घर का गॉड टैलेंट। अभी हम जो दिखाने जा रहे हैं वो है इंडिया गॉड टैलेंट। चलिए हम वीडियो देखते हैं। ओके, ये हमारा इंडिया गॉट टैलेंट का वीडियो है। आपने जो प्रतिभा दिखाया था, अभी ये वाला भी देख लेते हैं। हमारा प्रतिभा खत्म हो गया, हम मुंह साफ कर लो। शुरू का गॉड टैलेंट, मतलब गिर गया बंदा फिर भी उठकर डांस कर रहे। ताली तो बात है, ताली तो बंद, ताली दो, ताली, नेवर गिव अप। यस, ताली ताली, इसके लिए एक ताली तो जरूर बनता है। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो इस तरह के लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलो, मेरी तरफ से भी। ओ जैसे देते हैं सलूट वैसा, मतलब दे ताली। ये हो गया। अभी इधर का जो मिडिल में जो बंदा है, ये तो उधर से उठ के आया। फिर देखते हो मिडिल का बंदा, देखो कितना ताकतवर है। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजे। अभी दूसरा प्रतिभा हमारे किस टॉपिक पर आएगा वो देखते। छोटा बच्चा बोले तो हम क्या समझते हैं? छोटा मतलब छोटा ही है। छोटा ही है तो छोटे बच्चों को प्यार मोहब्बत आजकल सब कुछ मतलब समझ में आना शुरू हो गया है। शुरू नहीं हो गया, मतलब बड़े लोग भी उन लोगों से सीखना चाहिए, प्यार मोहब्बत की बातें, लड़कियों को कैसे छेड़ना चाहिए या वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। अभी ये जो छोटा बच्चा है, इसका प्रतिभा देखिए, कितनी अच्छे से मीडिया के सामने उनका हर एक सवाल का जवाब दिया बिना हिचकिचाए, है ना? आइए देखते हैं। आपका नाम क्या है, सबसे पहले ये बताइए। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अच्छा, पढ़ने में क्या मन लगता है ये बताइए। पढ़ने में मन लगता है कुछ नहीं, खाली मैम को छोड़ने में मन लगता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। छोड़ो, पढ़ लिख कर क्या होगा? पढ़ लिख के कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि स्कूल कॉलेज में जाओ, लड़का हो तो मैम को छेड़ो, लड़की हो तो सर को छेड़ो, अच्छा बात है ना? और हमारे दिन में हम क्या करते थे स्कूल में? आज तूने क्या टिफिन लेकर आया? टिफिन के पैसों से पीजी पे। वाह, टिफिन लेके नहीं आया?
कि मेरे टिफिन से खा लेना हाँ। और आज पता है वो राहुल के नहीं, राहुल का जो फ्रेंड है ना, उसके फ्रेंड ने मेरी एक सहेली को लव लेटर दिया है। फिर वो अभी तक नहीं पढ़ा, डर रहा है। और आजकल के बच्चे देखो, वाह मैडम को छेड़ेगा, क्या टैलेंट है, काश मुझ में ये टैलेंट रहता। अफसोस मुझ में ये टैलेंट नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मौज करो। जो नया नया यूट्यूबर होते हैं आजकल, सबको यूट्यूब पे चैनल बनाना है, वीडियो बनाना है और एक अच्छा मतलब बनना है, यूट्यूबर बनना है। हमको भी बनना है। आप तो बन गए ना, कैसे कैसे आप हमारे साथ रहती रही तो बन गए ना। आप इंडिया गॉट टैलेंट में हमारे घर के टैलेंट पे भी जीत गए हैं। एक मिनट में काला भी हो गया वापस। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, आजकल सब लोगों को यूट्यूब पे चैनल बनाना है और एक धासू डायलॉग। ओके क्या डायलॉग होते हैं, हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, am I right? Yes. तो देखिए हमारा ये जो है असम की वीडियो है, तो देखते हैं मैडम जी ने क्या। हम भी असम के हैं जी। हाँ जी मैं भी हूँ। इस पे देखिए मैडम ने कितने अच्छे से वीडियो बनाया, वाओ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बोलता हूँ ना देखिए सुना लिया मैंने, अगर आपको पता ही है कि आपके पीछे जो बंदा है या फिर बंदर भी कह सकते हैं हम, अगर वो लोग आपको डिस्टर्ब भी करेगा तो उधर क्या करने गए थे आप? घंटा वीडियो हो रहा है ये, या आप भी खुद की बेइज्जती कराने के लिए गया है? बोलो ऐसे कौन बेइज्जती करता है, सीधे मुंह पे लात मार दिया। ऐसे बेइज्जती भी आप कैसे सहन कर दिया, मैं सोच कर भी हैरान हूँ। हम भी आपको करेंगे। हमको नहीं कर सकते क्योंकि हमने इतना अच्छे से वीडियो नहीं बनाया है। इन्होंने जैसे बोला है हाँ हेलो आई एम वेलकम बैक टू माय चैनल नहीं बोला है। ओके दूसरे वीडियो पे चलते हैं। और एक मजेदार बात तो मैंने बताया नहीं, मजेदार बात ये है कि आजकल इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पे भी रील्स आ गए हैं, सब लोग रील्स पे पूरा ऐसे मतलब गाड़ी चलता है ना रास्ते पे ट्रैफिक की तरह जा रहा है, एक आगे तो दूसरा पीछे, सब लोग मतलब टक्कर देने की, सबको टक्कर दे रहे हैं, कौन किसको ज़्यादा मतलब फेमस होगा, किसके आगे जाएगा, सबका यही चल रहा है फेमस होना है सबको। तो इसी के ऊपर कुछ वीडियो है जो कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा है, क्या मैं एक बार देख सकता हूँ और आप लोगों को भी दिखा सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं तो ये दिखाने के लिए आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मन कंदे तोर लागिया, मन कंदे दांत निकाल के कौन रोता है ऐसे, हंसने से दर्द हमारा भी निकलता है। इट्स माय फेवरेट वीडियो, मैं दोबारा देखूं। मन कंदे तोर लागिया, इस तरह से रो रहा है, इसका जो एक्सप्रेशन है देखकर मेरा कलीजा मेरे हाथ पे आ गया है। और मैं इस भाई को एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई
शक्ल तो ठीक कर ले, पता है हमारा अच्छा नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ। इसके जो माथे पे बाल कितना होगा? दो चार होगा, हमारा भी टकला निकल गया रे। और ये जो बीच में जो दूसरा लड़की रखा है, ये तो खुद ही अपना मुंह बंद करके, मुंह बांध के क्या एक्सप्रेशन दे रही है, इसी को बोलते हैं एक्टिंग। क्या एक्टिंग है, मुंह बांध के दिखाओ मैं भी मानूंगा, मुझे भी करना है। हाँ मेरे पास सामान ही नहीं है, कैसे मुंह बांधू मैं। तुम अभी वो वाला करो, वो करना बनो शुरू। मन कंदे मन कंदे तोर लागिया, मन कंदे मन कंदे कहे कि हमको मजाक करना आता है, इश्क करना नहीं आता, इश्क करना नहीं आता। और इन लोगों ने जो इश्क किया है, ये लोग तो वो क्या कहते हैं शाहजहान मुमताज को भी पीछे छोड़ दिया है। अरे शाहजहान मुमताज छोड़ो, लैला मजनू को पकड़ो। लैला मजनू वो लोग बहुत पहले गुजर चुका है, अभी क्या तो शाहजहान मुमताज जिंदा थोड़ी ना है। जिंदा नहीं है फिर भी, मतलब सब लोगों को पता है कुछ भी बोलने से पहले, हाँ शाहजहान ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, तो वो लोग पहले आ जाता है ना। और ये भाई ये दीदी के लिए वीडियो बनाया, मेरा दिल छू लिया भाई। अगर तुझे तुझसे मैं कभी मिल पाऊँ तो प्लीज़ मुझसे हैंडशेक कर लेना, मेरा रिक्वेस्ट है ये। मैं और एक बार देखना चाहती हूँ सच में, ये भाई बहुत रो रहे। सीरियसली ऐसा कौन रोता है? गुटका खा के पता नहीं किधर किधर थूकता है और इधर आके बोलता है मोन कांदे, इतना बेइज्जती नहीं देखना मुझे, और फिर मेरा भी दिल रो देगा इसका ये देखकर। मैं सच में रो रहा हूँ लेकिन दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अंदर से रो। तो चलिए गाइस इधर ही हमारा वीडियो एंड करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना है इसलिए मैंने शॉर्टकट में। और मैं इतना गोरा नहीं हूँ, ऐसा ही हूँ। ऐसा नहीं है, वो गोरा है, मेरे लिए बहुत गोरा है। ये शर्ट को शर्ट का कलर छोड़ो। तो मेरा वीडियो एंड हो गया, बाय बाय, सब अच्छा रहिए, खैरियत रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।